लंबे इंतजार के बाद बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। वहीं धाम को 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कपाट खुलने के बाद बाबा का दरबार जय जयकारों से गूंज उठा। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस शुभ अवसर के साक्षी बने। केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। वहीं कपाट उद्घाटन के शुभ अवसर पर हजारों श्रद्धालु की उपस्थिति में रावल भीमा शंकर लिंग ने कपाट खुलने की घोषणा की। कपाट खुलने की घोषणा के तुरंत बाद ही धाम भक्तों के जयकारों से गूंज उठा। इस बीच सेना की भक्तिमय मधुर बैंड धुन पर श्रद्धालु खूब थिरके। इसके बाद बाबा चल विग्रह उत्सव टोली तीन पहाड़ों के विश्राम के बाद केदार धाम पहुंची। बाबा की पंचमुखी डोली के धाम में पहुंचते ही डोली पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय समेत केदारनाथ धाम विधायक शैली रानी रावत भी इस शुभ अवसर के साक्षी बने। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री ने बाबा के दर्शन कर देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।